मैं तो बहुत मिस कर रही हूँ जो हम लोग मस्ती करते थे वहाँ पे, वो तो सबसे ज़्यादा, और शूटिंग से ज़्यादा तो मस्ती होती थी, और जो अगर सर डांटते थे तो सब चुप हो जाते थे, पर हंसी तो आ ही रही है अंदर से, मस्ती करना ही है तो मस्ती कभी भी बंद नहीं होती थी वहाँ पे, एक भी दिन नहीं। और अगर मेरी छुट्टी होती थी वहाँ पे तो पूरा सुनसान हो जाता, तो मुझे बताया सर ने, पर मुझे ऐसा लगता नहीं है क्योंकि प्रणाली दीदी में वहाँ पे छुट्टी होती थी और प्रवेश भैया होते थे वहाँ पे, तो मैंने अपने पार्टनर्स तीन रखे हुए हैं, दो रखे हुए हैं। अच्छा, लेकिन फर्स्ट टाइम जब ये न्यूज़ ब्रोक हुई थी तो आप लोगों का रिएक्शन कैसा था? लाइक मतलब इतनी कम एज में इन्होंने इतना मैच्योर कैरेक्टर और बहुत ही उम्दा तरीके से निभाया, सो एज अ गार्जियन आप लोग कैसे देखे औरा का जो किरदार था बॉबी था उसको ग्रो होते हुए? आप कौन से न्यूज़ की बात कर रहे हैं? जो जो शो से बॉन्डिता चेंज होने वाली थी। अच्छा, लीप के लिए। देखिए, हमें ये तो पता था कि इतने छोटे बच्चे को कभी तो बड़ा होना ही है सीरियल में, तो मेंटली एक तरह से हम लोग थोड़ा सा सेटल्ड थे और हमें पता था आएगा लीप, वो कब आएगा ये नहीं किसी को पता था। तो लेकिन आपको पता है हम लोग की मीडिया, आप लोग वैसे ही बहुत एक्टिव रहते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा मीडिया में आना शुरू हो गया था, माहौल बन गया था, कुछ कॉल्स हमारे पास आने शुरू हो गए थे, तो सब ने हमसे कंफर्म करना शुरू कर दिया था, तो थोड़े थोड़े मेंटली प्रिपेयर हम लोग होते जा रहे थे। फिर जब आया तो हमने औरा को भी धीरे धीरे समझाना शुरू करा, फिर औरा ने कहा ठीक है, फिर उसको बताया कि सबका सफ़र एक टाइम पे ख़त्म होता है फिर नया शुरू होता है, तो शी एक्सेप्टेड वेरी वेल, मतलब इसने बहुत ढंग से समझा चीज़ों को और बहुत समझदारी से इस डिसीज़न को भी लिया, तो उसको कोई सैड या ऐसा नहीं था। ठीक है, जैसे स्कूल छूटता है कभी कभी, इसको फ्रेंड्स छूटते हैं, थोड़ा मिस तो करती है डेफिनेटली। क्या देखिए, उसका पहला शो था और पहला शो था, 1.5 साल तक कंटिन्यूसली एक सर्टेन टीम के साथ, उन लोगों के साथ एक अपनापन जो 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 लगाव होता है, इवन प्रोडक्शन से लेके डायरेक्शन टीम से लेके एवरीबडी वाज सो फैमिलियर कि हमें कभी ये नहीं लगा कि हमारा बच्चा वहाँ पे अकेला है, इवन इफ़ वी आर नॉट देयर, कभी कोई कुछ कमिटमेंट्स होने की वजह से। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद जब वी वर पार्टिंग वेज, तो थोड़ा सा डेफिनेटली यू फील डीप इन, लेकिन देखिए चेंज ही एक ऐसी चीज़ है जो कांस्टेंट है और सारी चीज़ें नहीं रहती, तो इसलिए। और मुझे इस बात में ये बहुत अच्छा लगा कि द वे औरा एक्सेप्टेड इट, एक्चुअली हम लोगों के लिए तो आई मीन वी अंडरस्टैंड एज एल्डर्स, लेकिन औरा का मुझे लगता था कि शायद सी मे फाइंड इट लिटिल डिफिकल्ट, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से सी एक्सेप्टेड एंड सी मूव्ड अहेड, तो अच्छा है। मुझे लगता है कि आगे फिर अभी देयर इज अ लॉट मोर कमिंग। अच्छा, और आपने थोड़े बहुत सीन्स कुछ आंचल के साथ भी किए जो बहुत ही क्यूट हमें लगे, कुछ ऑफ स्क्रीन मस्तियां भी दिखी, कैसा रहा उनके साथ में आपका एक्सपीरियंस? लाइक उन्होंने आपसे कुछ सीखा लाइक बचपन की बॉन्डिता से? तो उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि आंचल दीदी ने मेरी जगह इतनी अच्छे से ली है कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर, सो मैं उनको ये कहना चाहूँगी आप ऐसे ही करते रहिए और लव यू और हमने बहुत मस्तियाँ की हैं, तो सबसे ज़्यादा तो ऑफ स्क्रीन हमने बहुत मस्तियाँ की हैं, और मैंने उनके साथ सीन भी किया था, तो रात का सीन था, तो हम लोग रात को कर रहे थे वो शूट, तो हमें इतना मज़ा आया और हम लोग इतनी मस्तियाँ कर रहे थे वहाँ पे, क्योंकि हम क्योंकि सर ने कहा कि अरे औरा तुम्हें पता है कैसे शूट होना है, इतने दिनों में भूल तो नहीं गई हो? मैंने कहा नहीं सर, कैसे भूलूँगी मैं, तो बहुत अच्छा काम हुआ है और आंचल दीदी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हाँ, बातचीत होती रहती है और हम लोग मिलते भी रहते हैं, और प्रविष्ट आजकल बचे हुए हैं औरा के टॉर्चर से नहीं तो ये उनको दौड़ा के रखती थी पूरे सेट पे। एक्चुअली औरा इतनी शैतान हो गई थी इस पूरे 1.5 साल में जितने टाइम तक बैरिस्टर किया है इसने, कि हम लोगों को भी खूब भगाया इसने उस टाइम पर,
बट आई मीन दिस इज़ वट वी लव अबाउट हर कि द मोमेंट कैमरा ऑन होता था सी वॉज इन अ डिफरेंट जोन. जिस खूबसूरती के साथ इन्होंने कैरेक्टर में ढल के काम किया, इट्स एन अमेजिंग अमेजिंग थिंग, स्पेशली इतने छोटे बच्चे के लिए. तो वी रियली फील प्राउड ऑफ. अच्छा, आप दोनों से ही जानना जरूर चाहूंगी, ऑरा के प्रोजेक्ट्स को लेकर आप लोग कितना ज्यादा लाइक सिंसियर रहते हैं कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स ऑरा को करने चाहिए? बहुत ज्यादा कंसर्न रहते हैं. अभी हम लोग एक मूवी ऑफर हुई थी, उसमें हमें एक मतलब मुझे स्क्रिप्ट पढ़ के और देख के उसके ऑडिशन से ये रियलाइज हुआ कि इसमें एक बड़े बच्चे की जरूरत है और ऑरा शी इज नॉट रेडी, क्योंकि 13 ईयर ओल्ड चाहिए, शी इज 11. तो मुझे थोड़ा मेच्योर लगा तो मैंने उसको मना किया. तो हम लोग बहुत ज्यादा कंसर्न रहते हैं क्योंकि एक इमेज पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है. तो बहुत सोच समझ के कुछ भी साइन करने के लिए सोच रहे हैं कि कुछ अच्छा होगा तो ही साइन करेंगे. तो डेफिनेटली हम लोग बहुत कंसर्न है, हमारे पास और कोई काम ही नहीं है, शायद हम इसी को मैनेज कर रहे हैं. 90% हम लोग के टॉक में सिर्फ ऑरा के बारे में डिस्कशन होता है. आजकल एक्चुअली हम लोग अपने काम को लेके इसलिए थोड़ा लकी हैं, एक तो कोविड टाइम्स में हम लोगों का एक्चुअली हम इंटरनेशनल रिट्रीट चलाते हैं तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद है. दूसरा बाकी वी आर लकी टू हैव गुड मैनेजर्स, तो ऋषिकेश में हमारी यूनिट्स को लोग मैनेज कर लेते हैं आसानी से. मेरा काम ऑनलाइन है तो इसलिए वो हमारे लिए आसान हो जाता है. तो बाकी हम लोग डेफिनेटली फोकस करते हैं कि ऑरा क्या करेगी और कैसे करेगी, बिकॉज उसके सामने पूरा फ्यूचर अभी है. सो एवरी सिंगल स्टेप मैटर्स, क्योंकि आज की कोई भी चॉइस है वही बेसिकली हमारा इसका फ्यूचर फॉर्म करेगी. तो हमें एक तो ये देखना है कि ऑरा किस चीज़ में कंफर्टेबल है, वो किस चीज़ के लिए ज़्यादा पैशनेट है, और उसके साथ में वो सही भी होना चाहिए हर तरीके से अगर देखा जाए. तो इसलिए थोड़ा क्रिटिकल होता है, हम लोगों को काफ़ी सोचना समझना पड़ता है उस चीज़ के लिए. बट आई मीन दिस अगेन पार्ट ऑफ लाइफ. तो लगता है कुछ ना कुछ अच्छा आएगा, और अगर अच्छा आएगा तभी करेंगे, अदरवाइज वील वेट. मतलब कितना आप लोगों की बातें मानती है, सुन पाती है, या अपने मन की भी थोड़ी उनकी होती है? इस चीज में मेरा एक आइडिया ये रहा है कि आई ऑलवेज लव्ड किड्स टू बी रेबेलियस, क्योंकि दैट इज़ वेयर द थिंग्स लाई. अगर आप खाली ओबीडियंट बनाना चाहेंगे तो इसका मतलब वो खाली फॉलो कर रहे हैं. एंड वी नेवर वॉन्टेड अवर किड्स टू बी फॉलोअर्स, वी ऑलवेज वॉन्टेड देम टू बी द लीडर्स. और लीडर्स रेबेलियस होंगे तभी जाके लीडर्स होंगे, अदरवाइज तो वो फॉलोअर्स ही रह जाएंगे. तो हम इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं ऐसी हैबिट्स कि जिससे ये रेबेलियस हों विद इन अ सर्टेन लिमिटेशंस. संस्कार होने चाहिए लेकिन एक फ्रीडम होनी चाहिए एक्सप्रेशन की और अपने फील्ड चूज करने की और ज़िंदगी जीने की. मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपसे ज़्यादा करीब. हाँ, देखिए डेफिनेटली स्टडीज़ के लिए तो फोकस रहते हैं और वो बोलना पड़ता है. और लेकिन जिस तरह से अभी गैप हुआ स्टडी का, फिर दोबारा से ऑरा ने कमबैक किया है, तो बहुत अच्छा फोकस कर रही है स्टडीज़ पे, उसके लिए बस बोलना पड़ता है. अदरवाइज़ शी इज़ सो गुड गर्ल, मतलब बहुत अच्छे ढंग से मेरे साथ किचन में भी हाथ बटाती है, घर भी बिल्कुल क्लीन करके रखती है मेरे साथ. मेरे तो इज़ राइट हैंड, मतलब या फादर और डॉटर की रिलेशनशिप कम या ब्रदर की लगती है, मुझे तो इन दोनों को देख के ऐसा लगता है मतलब कमी नहीं खलने देते भाई की. और आप किसके गाइडेंस ज्यादा पसंद करते हैं, पापा के या मम्मी के? किसके ज्यादा सुनती हैं आप? मैं मम्मी की ज़्यादा सुनती हूँ क्योंकि पापा तो मतलब बोलते हैं पर वो ऐसे कैजुअली बोलते हैं, फिर आकर भूल जाते हैं, तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहती है. पर मम्मी मतलब औरा तुम्हें करना है तो करना है. मैं फसी मॉम आजकल ऐड चल रहा है. हाँ, बट फसी मॉम तो तभी फसी मॉम हो पर अच्छा है क्योंकि बच्चे तभी सीखते हैं. आपके फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, उन्हें न्यूज मिली है कि कहीं ना कहीं आप जल्दी जी टीवी पे एक नया शो करने वाली है, हिस्टोरिक होगा वो या फिर कोई ड्रामा होगा, कुछ बताना चाहेंगी? कुछ प्रोजेक्ट आ रहे हैं आपके पास? अभी हमने कुछ साइन नहीं किया है, पर मैंने उसका ऑडिशन दिया था, नहीं तो अभी तक साइन नहीं हुआ है. अभी हाँ, ऐसा कोई साइन नहीं है, लेकिन वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट. जैसे ही कुछ भी कंक्रीट होता है, कुछ भी फाइनल होता है, वी विल डेफिनेटली नो एवरीबॉडी. ओके, लास्टली एनी मैसेज फॉर फैंस?
मैं ये कहूँगी प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मुझे ऐसे प्यार देते रहिए, आप प्यार दे ही रहे हैं इतना ज़्यादा प्यार मुझे हर चीज़ पे, कॉन्ग्रेचुलेशंस और मुझे केक भेजते हैं। बहुत अच्छा लगता है, मतलब सीरियल ख़त्म होने के बाद भी फैंस कनेक्टेड हैं, तो उसके साथ में मीठा खाते रहें पर ज़्यादा मीठे ना हो जाए। थैंक यू, थैंक यू।